नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के अपडेट न्यूज में। आज मंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जहां पर उन्होंने थर्ड काउंसलिंग को लेकर के एक अच्छा न्यूज दिया। तो सारे संशय को धराशायी करते हुए ब्रेकिंग न्यूज क्या है, मंत्री जी ने कहा है 4,631 प्लस 1,133 पर आएगी अगली सूची। तो मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि अब थर्ड काउंसलिंग के लिए सूची जारी की जाएगी। प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रेस विज्ञप्ति क्या जारी हुआ है, ये भी देख लीजिए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के मिशन रोजगार के अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के लगभग 4,000 रिक्त पदों को आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए विद्यमान मेरिट लिस्ट से भरा जाएगा। यह जानकारी बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सतीश चंद द्विवेदी जी ने आज बापू भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में दी। उन्होंने बताया है कि अनुसूचित जनजाति के 1,133 पदों को उस संवर्ग के अभ्यर्थियों की अन उपलब्धता के कारण आरक्षित संबंधित प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। उन्होंने बताया है कि इन अभ्यर्थियों के संबंध में न्याय विभाग से परामर्श मांगा जा रहा है। न्याय विभाग से परामर्श प्राप्त होने पर भर्ती हेतु शीघ्र ही कार्रवाई की जाएगी। यानी कि न्याय विभाग भी लगभग अपना जो परामर्श है वो कंप्लीट करने के कगार पे है। जैसे ये परामर्श पूरा हो जाएगा, तुरंत मंत्री जी भर्ती के लिए विज्ञप्ति आरक्षण नियमानुसार 69,000 की थर्ड काउंसलिंग लिस्ट जारी करेंगे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मिशन रोजगार चला रखा है। पिछले 15-20 सालों में जितनी सरकारी नौकरियां उत्तर प्रदेश के नौजवानों को नहीं मिली होंगी, उतना इस 4 साल में मिला है। लगभग 4,00,000 युवाओं और युवतियों को प्रदेश की योगी सरकार ने प्रत्यक्ष रूप से सरकारी नौकरी दी। 1,20,000 से अधिक नियुक्तियां हमारे बेसिक शिक्षा विभाग में हुई। अभी जल्दी ही हमने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा पूरी की। उसके अंतर्गत जो भर्तियां हुई हैं, उसमें कुछ कारणों से कोई यहां पर मेरिट लिस्ट में था लेकिन किसी और सेवा में जा चुका है, या किसी न किसी कारण से लगभग 4,000 पद हमारे रिक्त रह गए हैं। अभी तक की जो परंपरा रही है विभाग में कि वो रिक्तियां फिर अगले विज्ञापन में जाती थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का ऐसा निर्देश था कि जब भर्ती परीक्षा हुई है और हमारे पास योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध है तो जितना जल्दी हो सके सभी रिक्त पदों को भरा जाना चाहिए। इसलिए उनके निर्देश के क्रम में जो लगभग 4,000 पद काउंसलिंग के बाद और नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद हमारे रिक्त रह गए हैं, उनको आरक्षण के सारे उपबंधों का पालन करते हुए जो हमारी मौजूदा मेरिट लिस्ट है उसी मेरिट लिस्ट में से उन 4,000 पदों को भी, 4,000 कुछ संख्या है, वो एग्जैक्ट फिगर आ जाएगी हमारे पास एक दिनों में, तो लगभग 4,000 ही पद हैं, उन सभी पदों को वर्तमान मेरिट लिस्ट के जो छात्र हैं उन्हीं से भरेंगे। हमारे जो अनुसूचित जनजाति की जो कैटेगरी है उस कैटेगरी के 1,133 पद ऐसे हैं जो अनुसूचित जनजाति के संवर्ग के अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण रिक्त है। उन पदों को हम हमारे अनुसूचित जाति के जो अभ्यर्थी हैं जो हमारी मेरिट लिस्ट में, उन अभ्यर्थियों से इन पदों को भी भरेंगे ताकि ये पद रिक्त ना रह जाए। जितनी भर्तियाँ हुई हैं उसके अतिरिक्त लगभग 5,000 शिक्षकों की भर्ती हम और भी करने जा रहे हैं। न्याय विभाग का एक विधिक परामर्श इस मुद्दे पर हमने माना है, हमको उम्मीद है जल्दी ही उनका परामर्श आ जाएगा। इसी महीने में, एक महीने के भीतर ये 5,000 और रिक्त पदों पर भर्तियां पूरी करेंगे। इस तरह से इस 4 साल की योगी सरकार में